और दोस्तों, क्या हालचाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सेट नोटिफिकेशन लाइट। इस डिवाइस में फ्रंट कैमरे के आसपास नोटिफिकेशन लाइट कैसे लगाए। दोस्तों, कोई नोटिफिकेशन आने पर इस तरह का खूबसूरत कलरफुल लाइट ब्लिंक करते रहेगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद कुछ परमिशन अलाउ करना होगा। अब इस एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करके ऐप इन्फो में जाइए। उसके बाद ऑटो स्टार्ट परमिशन अलाउ कर देंगे, ताकि ये बैकग्राउंड में बिना कोई रेस्ट्रिक्शन हमें नोटिफाई कर सके। नेक्स्ट, अदर परमिशन में जाके शो ऑन लॉक स्क्रीन एंड डिस्प्ले पॉपअप विंडो परमिशन अलाउ करना होगा। नेक्स्ट, बैटरी सेवर पर टैप करके नो रेस्ट्रिक्शन सेट कीजिए। दोस्तों, अब AOD नोटिफाई ऐप ओपन करना है। लाइट अप योर फोन या नेक्स्ट दबाइए। ऐप सेटअप करने से पहले कुछ परमिशन अलाउ करना होगा। सिलेक्टेड ऐप्स, जिस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन लाइट या देखना चाहते हैं उसका परमिशन अलाउ कर दीजिए। हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेज, फोन एंड व्हाट्सएप का परमिशन अलाउ कर दिया। इसके बाद नोटिफिकेशन एक्सेस अलाउ कर दीजिए। नेक्स्ट, ड्रॉ ऑन स्क्रीन परमिशन अलाउ करना है। इस एप्लीकेशन के साथ कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होते हैं, इसलिए आपका पर्सनल डेटा सेफ रहेगा। दोस्तों, इन सभी परमिशन को अलाउ करने के बाद होम पेज में चले जाइए। AOD नोटिफाई ऐप के होम पेज पर कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब नोटिफिकेशन लाइट को हम कस्टमाइज करेंगे। फर्स्ट, नोटिफिकेशन टैब ओपन कीजिए। ऐप्स, यहाँ से किसी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद बैटरी में जाके फुल चार्ज, फोन चार्जिंग लाइट और लो बैटरी लाइट सेट कर सकते हैं। फोन अनलॉक, जब फोन अनलॉक रहेगा बैटरी सेव करने के लिए नोटिफिकेशन लाइट ऑफ रख सकते हैं। सेकेंड, नोटिफिकेशन लाइट टैब ओपन कीजिए। स्टाइल, नोटिफिकेशन लाइट आपको कैमरे के आसपास चाहिए या फुल स्क्रीन में चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैमरा एज सेट रखिए, इसमें बैटरी भी सेव होगा। इफेक्ट, यहाँ कई सारे इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इनमें से केवल 3 इफेक्ट फ्री में यूज कर सकते हैं। डायमेंशन, यहाँ कैमरा होल के हिसाब से नोटिफिकेशन लाइट एडजस्ट कीजिए, इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ाइए। रिसाइज वैल्यू चेंज करके इस रिंग को थोड़ा बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद एक्स पोजीशन 0 एंड वाई पोजीशन -14 सेट कीजिए। रिंग लाइट कैमरा के आसपास सेट हो गया है, यहाँ वाई वैल्यू चेंज करके नोटिफिकेशन लाइट कैमरा होल के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। डिस्प्ले टाइम, एक नोटिफिकेशन आने के बाद नोटिफिकेशन लाइट कितने टाइम तक जलेगा, यहाँ मैक्सिमम 5 मिनट तक फ्री में रख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ, सेटिंग्स टैब ओपन कीजिए। सेटिंग्स के अंदर हाइड ऑन कॉल अलाउ करना है। फिफ्थ, कलर टैब ओपन कीजिए, यहाँ से नोटिफिकेशन कलर चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट कलर पर टैप करके अपना फेवरेट कलर चूज कीजिए। दोस्तों, इसके प्राइम फीचर्स में और भी कई सारे कस्टमाइज किए जा सकते हैं, जैसे कि अलग अलग एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कलर सेट करना एटसेट्रा। फिलहाल नोटिफिकेशन लाइट सेटअप हो चुका है। अब रिसेंट एप्लीकेशन ओपन कीजिए। इसके बाद AOD नोटिफाई ऐप के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके बैकग्राउंड में इस एप्लीकेशन को लॉक कर दीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट टाइम से जब भी हमारे फ़ोन का स्क्रीन ऑफ रहेगा और कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो इस तरह के कलरफुल रिंग लाइट कैमरे के चारों तरफ घूमते रहेगा। स्क्रीन अनलॉक करके नोटिफिकेशन रिमूव करते ही ये लाइट ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।